तो कैसे हो भाई? हो मैं तुम्हारा भाई एजाज, लेकर आया हूँ एक न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों मैं आ जाता सुबह सुबह ईद खोदने अपनी। ये मेरी पीछे ईद की जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाई थी छोटी छोटी थी, तो अभी से खोदने का टाइम, उसकी साइड में जो घास पैदा हो जाती है वो घास निकालने का टाइम आ चुका है। तो मैं सुबह ही आया था, मेरा फावला वहाँ पर रखा है और मेरे चाचा भी आए थे साथ, तो मैंने भी काफ़ी खोद दी है। दोस्तों मेरा फावला रखा है यहाँ पर, कैसी वीडियो जी बना रहे हैं दोस्तों। ये खोद चुका हूँ, देखो मैं इधर कैसी है, इधर कैसी है। अच्छा बना रहा दोस्तों, देखो काफ़ी बड़ी हो गई थी, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कभी छोटी छोटी थी, क्योंकि अभी 5-10 दिन पहले बारिश हुई है, तो उसकी वजह से एकदम ऊपर आ गई। अभी कुछ जगह जगह यहाँ पर बिल्कुल खाली मैदान है, इधर देखो तो यहाँ पर नहीं निकली एक, हो सकता है कि बीज ख़राब हो, गन्ना ख़राब हो, जहाँ पर ये यहाँ पर निकली नहीं है। और यहाँ पर देखो कितनी अच्छी निकल गई हमारी साइड में, हमारे चाचा की, देखो कितनी बढ़िया हो गई। दिखाता हूँ मैं अंदर जाके इसकी, ये हमने थोड़ी गन की हो गई यहाँ पे, ये देखो। और हमारी देखो इधर अभी छोटी है, ये थोड़ी दिनों इन्होंने थोड़ी जल्दी बो दी थी, तो इसलिए इनकी भर के निकले, क्योंकि अब हम खाद वाद यूरिया वूरिया लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगी हमारी भी, क्योंकि आज के टाइम में दवाई वगैरह तो कुछ हो नहीं था। तो दोस्तों क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं, जो मैं खोद कर दिखाता कैसे खोदी जाती है, क्योंकि मैं कैमरा पकड़ने वो एक हाथ से स्टिक पकड़ रखी है मैंने, तो एक स्टिक साथ ही ले आया था मैं। देखो दोस्तों मैं दिखाता हूँ ऊपर से चढ़ के, यहाँ पे ये नाली है, सरकारी नाली है यहाँ पर, ये रास्ता है इधर, थोड़ा बैक कैमरे से ऐसे करके दिखाऊँगा, फ्रंट कैमरे से दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों वहाँ पर बाइक खड़ी है मेरी, और मेरे भाई ने कमेंट करी थी कि फैमिली ने मेरी कहा था कि खजूर की वीडियो बने, तो खजूर का सामने पेड़ है देखो, अब खजूर आने शुरू हो गए हैं, 10-15 दिन की बात थी, मैं जाऊँगा तो बना सकता हूँ वीडियो, क्योंकि खजूर का पेड़ रास्ते में पड़ते हैं, क्योंकि हरे हरे खजूर आ चुके हैं इस पर, तो थोड़ा ऊपर है इसलिए वो दिखती नहीं है खजूर, जब नीचे गिरेगी खा के दिखाऊंगा।